गुजरात में दूसरे चरण के प्रचार में लोनावाला में पीएम ने कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। कहा कांग्रेस हर राज्य से साफ हो रही है, कांग्रेस भाई भाई को लड़ा रही है। राहुल गांधी ने 10 सवालों पर जवाब नहीं मिलने को लेकर ट्वीट कर पीएम पर साधा निशाना। कहा क्या कारण है कि इस बार प्रधानमंत्री जी के भाषणों में विकास गायब है। कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने गुजरात में किया 110 सीटें जीतने का दावा। मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर कहा कांग्रेस के विधायक तय करेंगे, विधायक दल का नेता। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी। राजकोट में सीएम विजय रूपाणी ने परिवार के साथ वोट डाला। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने किया ट्वीट। गुजरात की जनता से भारी तादाद में वोट डालने की अपील की। सभी लोग रिकॉर्ड नंबर में सामने आए और वोट करें। कांग्रेस हाईकमान ने अपने नेताओं के लिए जारी किए सख्त निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी और उनके भाषण में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता और लोकसभा से इस्तीफा दे चुके नाना पटोले राहुल गांधी की रैली में उनके साथ साझा करेंगे मंच। अहमदाबाद में 11 दिसंबर को साझा करेंगे मंच। ग्रेटर नोएडा के गौड़ सिटी में मां बेटी की हत्या के मामले में अहम खुलासा। मां बहन की हत्या करने वाले नाबालिग बेटे ने कबूल किया गुनाह। पढ़ाई के लिए डांटने से नाराज था नाबालिग। एनसीएलटी से रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को तगड़ा झटका। सरकार को दी यूनिटेक कंट्रोल करने की अनुमति। उकलाना में दिल्ली का निर्भया कांड दोहराया गया। 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। हादसे के समय रात को मां के साथ सोई हुई थी बच्ची। सुबह गली में मिला बच्ची का शव। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में 7 साल की बच्ची की मौत का मामला। अस्पताल प्रशासन के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा अर्बन अथॉरिटी को पत्र लिखकर गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल की जमीन की लीज कैंसिल करने की सिफारिश की। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मामले में कई कड़े कदम उठाते हुए पहले ही अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करने और ब्लड बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने के आदेश दिए। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी। आज भी काम पर नहीं लौटे एनएचएम कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग ने सिरसा में हड़ताल कर रहे एनएचएम कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 481 एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त किया। कैथल के पुंडरी इलाके में एक युवक पर 4 से 5 हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया। बदमाश गणासिए और तेज धार हथियारों से युवक को मारते रहे और लोग तमाशबीन बने नजर आए। युवक पर जानलेवा हमले की पूरी लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुंडरी गांव निवासी युवक विनोद को करनाल के अस्पताल ले जाया गया। बहादुरगढ़ के एनएचआईआई के सेक्टर 17 में स्थित हवाई चप्पल बनाने के फिजिक नाम की फैक्ट्री में आग पर कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग की फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपए का कच्चा माल और तैयार माल जलकर खाक। मैक्स अस्पताल शालीमार बाग का लाइसेंस रद्द होने के बाद अस्पताल में इलाज करा रही मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल के आगे जमकर नारेबाजी की। दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। मरीजों के तीमारदार और मरीज अस्पताल की मशीनें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स की व्यक्तिगत लापरवाही थी। अस्पताल का लाइसेंस रद्द क्यों किया गया। दिल्ली में प्लास्टिक के पाइपों का इस्तेमाल खतरनाक साबित हो रहा है। प्लास्टिक के पाइप के निर्माण में लेड के प्रयोग से पीने के पानी के जरिए लेड लोगों के शरीर में पहुंच रहा है। बीमारियों के खतरे को देखते हुए एनजीटी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्लास्टिक के पाइपों के निर्माण में लेड पर रोक लगाने के आदेश दिए। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में कीटनाशक स्प्रे के गोदाम में भीषण आग लगी। तेज धमाके के साथ आग की लपटें अपार्टमेंट के ऊपरी मंजिल तक जा पहुंची।